की बिजली लगेगी। हमने टेंडर निकाला, भारत सरकार ने 4,500 बसेस का टेंडर निकाला। नॉन एसी बस का टेंडर आया 39 रुपीज पर किलोमीटर और एसी बस का टेंडर आया 41 रुपीज पर किलोमीटर। लंदन ट्रांसपोर्ट ने क्या किया, हर ऑपरेटर को गारंटी दी कि हर दिन 250 किलोमीटर बस घूमे या ना घूमे, हम 10,000 रुपए आपको देंगे, ड्राइवर उसका, कंडक्टर कॉर्पोरेशन का। और यह 250 किलोमीटर घूमती है बस, लखनऊ में भी जो घूम रहे हैं वो भी घूमती है 250 किलोमीटर, तो उसको 10,000 मिलेंगे, 35,000 का गल्ला आएगा, 10,000 रुपए और आप कहीं डाल दो, ड्राइवर कंडक्टर खर्चा कर, 10,000 रुपए आपको प्रॉफिट मिलेगा, 1 रुपया लगाना नहीं, लाएगा इन्वेस्टर, वो डालेगा बस, रंग होगा एक ही, ड्राइवर होगा उनका, कंडक्टर होगा आपका, पैसा आपको मिलेगा और पूरी जनता फुकट एसी क्लास में घूमेगी। आपके ये लंदन ट्रांसपोर्ट का मॉडल आप स्वीकार करिए। अभी उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख बसेस आएगी, 3 लाख लोगों को, ड्राइवर को रोजगार मिलेगा और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता बढ़िया प्रवास कर सकती है। बाद में आप यही एयर कंडीशन बस लखनऊ से दिल्ली, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, फिर यही बस लखनऊ से कानपुर, और आप पूरे बड़े बड़े शहरों को जोड़ दीजिए। अभी हमने हाईवे बनाया, अब तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। दिल्ली से मेरठ आपने कहा 40-45 मिनट में, दिल्ली से डेहराडून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। और अभी हमारे नागपुर से हम रोड बना रहे हैं, नागपुर से पुणे 24 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे में, पुणे से बेंगलोर 11 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे में, और बंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में, और अभी प्राइम मिनिस्टर अगले महीने में इनॉग्रेशन कर रहे हैं मैसूर से बेंगलोर 1 घंटे में। तो लोग अपने गाड़ी के बजाय एयर कंडीशन बस में बिजनेस क्लास जैसे बैठकर जाएंगे तो उनको उतना तो पेट्रोल डीजल के पैसे में फायदा भी होगा और कंफर्ट मिलेगा। तो आने वाले समय में मुझे लगता है ये मॉडल से लेंगे तो बस में काफी आएगी। फिर इलेक्ट्रिक कार आई है, मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया था क्योंकि मैंने ये ई रिक्शा शुरू की। मुझे बहुत बार याद है, आज मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में कहा था कि राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं जिंदगी भर ये साइकिल रिक्शा में नहीं बैठूंगा, आदमी आदमी को ढोने का काम करता है। और ये बिल मैंने पास किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चली। 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी ढोने का काम करता था और ये ई रिक्शा आया, 1 करोड़ लोगों में से लगभग 90% लोग अब ई रिक्शा चला रहे हैं और कम से कम रोज के 1,000 रुपए कमा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इस देश की ये अमानवीय प्रथा बंद हुई, अब ई कार्ट आया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सब्जी के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए, सबके लिए जितना ट्रांसपोर्ट होता है, अब ये ई रिक्शा, अभी मेरे यहां सब्जी होती है, मैंने अभी एक 600 किलो की रिक्शा ली, मेरी पत्नियां खेती देखती है, रोज मेरे घर से वो ऑर्गेनिक सब्जी नागपुर में आती है, वो ई रिक्शा में आती है, ई कार्ट में, उसका खर्चा नहीं के बराबर है। इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसका खर्चा नहीं के बराबर है, पेट्रोल की तुलना में 10% उसका खर्चा है, और रात को घर में लगा दो सुबह चार्ज हो जाएगा। तो आप ये भी पॉलिसी बनाइए जिसके कारण बड़े प्रमाण पर रोजगार निर्माण होगा। अब ये जो बैटरी है ये हमारे लिए समस्या है, हमारे यहाँ जो लिथियम आयन बैटरी बनती है वो कॉस्टली है, वो इसका व्हीकल का हार्ट है। पर मैं आपको करूंगा, अभी हमने बैटरी केमिस्ट्री पर काफी काम हुआ है, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी, अभी महेंद्र ने वो ले ली, ये लोग लगातार ला रहे अपने फरीदाबाद के इंडियन ऑयल वालों ने तैयार किए। तो आने वाले समय में, अगर अभी 2-3 दिन पहले कश्मीर में हमको लिथियम आयन का ये बहुत बड़ा ये मिला है, तो मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से होगा। ये बैटरी के लिए जो इंपोर्ट होता था मशीनरी का, उसको हमने कस्टम्स में अब छूट दिए, निर्मला जी ने अपने बजट में। ये बैटरी इंडस्ट्री
उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, ऐसे जगह पर बैटरी इंडस्ट्री के लिए आपने अगर भारत सरकार की तो नीति आई है और कोई पॉलिसी बनाई तो ये एक हब बन सकता है, जिसके लिए मुझे लगता है कि इसमें भी आप जरूर विचार करिए। इसके साथ साथ विशेष रूप से जो इलेक्ट्रिक बसेस है, अभी 740 है, ये काफ़ी बड़े प्रमाण पर लंदन ट्रांसपोर्ट के मॉडल में बढ़ सकती है। जो चार्जिंग स्टेशन की बात आपने की, हम 670 जगह पर NHMHA से उत्तर प्रदेश में भी हैं, हम रोड साइड एमिनिटी बना रहे हैं, उसमें चार्जिंग स्टेशन है और अभी वो चार्जिंग स्टेशन ऐसे बना है कि वहाँ हेलीपोर्ट भी है। और अभी मैंने दिल्ली में एक लॉन्च किया ड्रोन 200 किलो वाला, तो 200 किलो सामान उसका, अभी एक MGM इंस्टीट्यूट है चेन्नई में जो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं और लंग ट्रांसप्लांट करते हैं, मैंने उनके यहाँ का उद्घाटन किया कि कोई लंग्स डोनेट करता है या हार्ट डोनेट करता है जल्दी ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल, तो उसके लिए रेड क्रॉस ट्रीटमेंट है सरकार की VIP, तो हार्ट को वो ड्रोन में रखते हैं और एयरपोर्ट से उड़ाकर हॉस्पिटल में लाते हैं और तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। अब योगी जी वो दिन दूर नहीं है कि 200 किलो के बजाय 1000 किलो वाला ड्रोन 4 लोगों को लेकर हवा में उड़कर आएगा, वो दिन अब दूर नहीं है। वो ड्रोन बनाने की भी इंडस्ट्री हमको डालनी है, ये ई मोबिलिटी में अब वो दिन दूर नहीं है। अभी वो ड्रोन वाले ने परसों जिसको मैंने कार्यक्रम में लॉन्च किया, उसने हिमाचल प्रदेश में क्या किया, जो सेब पहाड़ी पर थे वो सेब ड्रोन से नीचे लाए मार्केट में और जो नीचे का सामान था वो ऊपर लेके गया। अभी मैं लद्दाख और लेह में एक फेनाकुलर रेलवे बना रहा हूँ, इंडियन IIT का इंजीनियर है, और रेलवे मैंने ऐसी बनाने का डिजाइन किया कि नीचे में भेड़ बकरी रहेगी क्योंकि वहाँ जानवर भी जाते हैं और ऊपर में लोग बैठेंगे और सामान होगा और वो पहाड़ से ऐसे लगकर ऊपर जाएगा। तो ई मोबिलिटी में अभी हमारे यहाँ 265 केबल कार, रोपवे, फेनाकुलर रेलवे हमने मंजूर की है, UP के भी शायद कुछ किए होंगे मुझे पता नहीं। तो ई मोबिलिटी में अभी बंगलोर में मैं गया था, वहाँ बंगलोर में इतना ट्रैफिक जाम है, चीफ मिनिस्टर बहुत तरसते थे, मुझे बोले कुछ सोल्यूशन बताओ। तो मैं ऑस्ट्रिया गया था तो डॉफल मेयर करके कंपनी को मैंने देखा, उनने फिलीपींस में हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस मैंने देखी और वह मैं ऊपर के ऊपर हवा में 200 लोग डबल डेकर में बैठकर उड़ते हैं वो केबल पर। तो अब वो बहुत से शहरों में हम वो बस ला सकते हैं, मैं बंगलोर के लिए उसका अध्ययन कर रहा हूँ और एक रुपये देने की जरूरत नहीं, पैसा लगाने वाले हम तैयार हैं, आप प्रपोजल दे दो, हमारा एक डिपार्टमेंट ऐसा है, मैं बोलता हमारे पास पैसे की कमी नहीं और मैं कभी 2-4 हज़ार करोड़ तो ऐसे ही बोलता हूँ और अभी भी पत्रकारों को बोल देता हूँ कि मैंने जितने लाख करोड़ बात की वो लिख लेना आपके डायरी में और एक भी काम नहीं होगा तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना, तो हमारे यहाँ कोई पैसे की कमी नहीं। दो चीज़ें और करिए, इसीलिए बस पोर्ट की योजना हमने बनाई है। आप उत्तर प्रदेश में जगह आपकी है, मैं एयरपोर्ट जैसे सुंदर बस पोर्ट बना देता हूँ अपने पैसे, अगर प्रॉफिट मिला तो आधा आपका आधा हमारा, एयर कंडीशन, तो ये पूरे इलेक्ट्रिक बसेस और एयरपोर्ट होंगे तो उत्तर प्रदेश का तो एकदम नक्शा बदल जाएगा। तो मैं निश्चित रूप से बताऊंगा कि इसमें आपका निश्चित सहयोग हम लोग करेंगे। स्क्रैपिंग के बारे में विशेष रूप से अगर आप योजना बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 300 यूनिट शुरू हो जाएंगे और इसके कारण बहुत बड़ा रोजगार निर्माण होगा और ये अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के कारण फिनिश करने वाली बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये भी बात आप जरूर सोचिए। दो चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा कि मैं किसान से चूँगी और ये जो ऊर्जा निर्यात करने वाली बात है, इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, 87% लैंड आपकी इरीगेटेड है, इतनी सुंदर लैंड है, जमीन है और हमको गरीब को धनवान बनाना है, धनवान को धनवान वैसे ही बन जाता है, पर जो गांव गरीब मजदूर किसान है उसको धनवान बनाकर टेक्नोलॉजी उसको देना है। आज आपके यहाँ 27.60 लाख हेक्टेयर गन्ना है और मैं भी 3 चीनी मिलें चलाता हूँ तो गन्ने का इकोनॉमिक्स तो जानता हूँ, आपके यहाँ तो
गन्ने के उत्पादन में अब काफी बढ़ोतरी हुई है और अभी ये 50,000 करोड़ की इकोनॉमी हो गई है। ये इथेनॉल आया इसके लिए किसानों को पैसे मिले, नहीं तो आपका सर दर्द बढ़ता, अगर इथेनॉल नहीं आता तो तकलीफ होती। अभी कम से कम 2 करोड़ रोजगार इसमें खड़े हो सकते हैं। यूपी 250 करोड़ लीटर इथेनॉल देती है और अभी तक 75 डिस्ट्रीरी है। मैं पेपर पर लिख देता हूं, आप 500 डिस्ट्रीरी निकालिए तो भी देश में इथेनॉल की कमी है। अगर जब हम पेट्रोल में इथेनॉल डालेंगे 20% तो हमको 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल चाहिए, अभी हम केवल 460 करोड़ लीटर बना रहे हैं। अभी मैंने जनरेटर सेट वालों की मीटिंग बुलाई है कि एक छोटी सी किट लगाकर डीजल के बजाय वो अगर इथेनॉल पे जाएंगे तो 4000 करोड़ लीटर इथेनॉल उसके लिए लगेगा। फिर अभी हम फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं जो मेरा सपना है। टोयोटा ने अपनी गाड़ियां लाई, बाकी भी लोग ला रहे हैं और वो गाड़ियां ऐसी है कि जैसे कैमरी करके उनकी गाड़ी थी जो पेट्रोल डालते थे तो 40% पेट्रोल पर 40% बिजली तैयार करती थी और 60% पेट्रोल पर चलती थी। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है कि 100% इथेनॉल डालना, पेट्रोल नहीं, और 60% वो इथेनॉल पे चलेगी और 40% बिजली तैयार करेगी। तो हमारे कंज्यूमर को 25 रुपये लीटर पेट्रोल के भाव से उनका जो एवरेज है वो मिलेगा, इतनी बचत है। बजाज, टीवीएस, हीरो सब ने फ्लेक्स इंजन पर स्कूटर और मोटरसाइकिल तैयार की है और गांव में इथेनॉल के पंप अगर शुरू करने वाले, अभी भारत सरकार परमिशन दे रही है, प्रधानमंत्री ने 3 पंप पुणे में शुरू कर दिए हैं और उत्तर प्रदेश में अगर इथेनॉल के पंप शुरू हो गए तो इथेनॉल की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बदल सकती है। तो फ्लेक्स इंजन वाली बात को आप विशेष रूप से इसमें जोड़िए। दूसरा जो है वो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो बायोमास या ऑर्गेनिक वेस्ट या पानी से तैयार होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये जो पानी तो आपके पास इतना पड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ 450 फुट नीचे जाने के बाद पानी मिलता है, आपके यहाँ तो कहीं भी पानी मिलता है, ये देख के भी हमको ऐसा लगता है कि देखो कितने भाग्यवान लोग हैं। तो मुझे आपको इतना ही कहना है कि हमारा किसान अपने कुएं से पानी निकालेगा और वहाँ वो गेहूं चावल को रखने के लिए प्री कूलिंग कोल्ड स्टोरेज के लिए रूफ टॉप सोलर 2 रुपये 40 पैसे यूनिट की बिजली मिलेगी और पानी से इलेक्ट्रोलाइजर का अभी वी आर द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। अभी मैंने कर्नाटक में बेंगलोर में एक फैक्ट्री नाम सब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 95%। 1,20,00,000 का इलेक्ट्रोलाइजर है, वो डालने के बाद पानी से हाइड्रोजन निकलता है पर उसमें 56 यूनिट बिजली लगती है, यही उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है। और उसके बाद जनरेटर लगता है उसको कॉम्प्रेस करने के लिए, वो हम 110 रुपये के डीजल के बजाय 60 रुपये के इथेनॉल पर आएगा तो हाइड्रोजन की कॉस्ट कम होगी। पर इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी आई है जो हमारे इंडियन साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर ने तैयार की है कि हमारा बगास, हमारी परली राइस स्ट्रॉ, हमारा कोई भी बायो वेस्ट बायो मास और बाय यूजिंग बायो टेक्नोलॉजी वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बायो मास। अभी एक थाईलैंड से नेपियर ग्रास आया, वो 1 एकड़ में साल भर में 1000 टन निकलता है और वो बायोमास अगर बायोडाइजेस्टर में डाला तो मीथेन निकलता है और मीथेन से CO2 निकाला तो बायो CNG और बायो LNG निकलता है और उसी से मीथेन से हम हाइड्रोजन भी तैयार कर सकते हैं। जो म्यूनिसिपल वेस्ट है लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों की, जो सीवेज वाटर है उससे भी हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो मेरा आपसे एक सुझाव है कि उत्तर प्रदेश में पानी है और ये जो बगास है ये अभी पावर बनाते हैं तो उसके बजाय इसका उपयोग और परली का उपयोग अगर हम लोग उसको जलाकर गैसेस निकालकर उससे अगर ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे तो वो 100 रुपये किलो से कम आएगा और 1 किलो में 450 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो समझो कितना फायदा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ट्रक, बसेस, ट्रैक्टर, हवाई जहाज, रेलवे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, सब स्टील इंडस्ट्री, सब हाइड्रोजन पे चलने वाली है और भारत ये ऊर्जा आयात करने वाला नहीं, एनर्जी आयात करने वाला नहीं तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनने वाला है। प्रधानमंत्री जी का सपना है
तो ये ग्रीन हाइड्रोजन का भी आप अलग से करिए। जो एक बात मैंने कही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, उसमें अभी हम ई हाईवे बना रहे हैं दिल्ली जयपुर, वो रेलवे जैसे केबल डाल रहे हैं और इलेक्ट्रिक ट्रक इलेक्ट्रिक बस उसमें जाएगी। तो ये एक सक्सेस हो गया तो आपको आपकी ट्रक और बसेस भी इलेक्ट्रिक में जाएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम देश में हमारे ट्रेड बिजनेस में है, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है और चाइना की 8 से 10% है, यूरोप और अमेरिका की 12% है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें सिंगल डिजिट में आना है। अगर हमने फ्यूल की कॉस्ट कम, अभी एलएनजी का ट्रक आया है, एलएनजी का ट्रक एक बार गैस भरने से एलएनजी भरने से 1400 किलोमीटर चलता है, ब्लू एनर्जी का मैंने लॉन्च किया है अभी पुणे में, और उसकी कॉस्ट डीजल की तुलना में 40% है। और ये परली जो है 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी एंड बायो एलएनजी। ये 15-20 यूनिट इंडस्ट्री अभी हरियाणा और पंजाब में शुरू हो गई है। तो मुझे सभी दृष्टि से अगर हम प्रयास करेंगे तो हमारा किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। तो ये एक अन्नदाता से ऊर्जादाता, ये भी एक बहुत अच्छी बात होगी। जहां तक मैं आपको कहूंगा कि ग्रीन हाइड्रोजन के साथ, ये मेरे साथ एक गाड़ी है जिसको आदरणीय मंत्री जी को भी घुमाया मैंने, योगी जी को भी घुमाया, क्योंकि मैंने उनको बताया कि मैं वो कह रहा था कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी। तो एक बार डाइनिंग टेबल पर मेरे पत्नी ने मुझे पूछा कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो लोगों का कैसा बैठेगा। तो मैंने तुरंत टोयोटा इंडिया के चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर का बेचारा ध्यान हो गया उसका, उनको फोन किया और उनको कहा मुझे हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए, अब मेरे घर पर है। अब मैं कोई भी बोलता हूँ तुमको हाइड्रोजन पे कैसे गाड़ी मिलना चाहो, बैठो गाड़ी में, मर्सिडीज से अच्छे कम्फर्ट है और वो गाड़ी हाइड्रोजन पे चल रही है। तो मुझे लगता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ इट मींस दैट आई एम पॉसिबल। और मुझे बहुत खुशी है और आपको मैं ये अनुरोध करूंगा इन्वेस्टर्स को कि यूपी इज अ बेस्ट डेस्टिनी, वाटर पावर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चारों बातें हैं, लैंड सस्ती है, स्किल्ड मैन पावर रीजनेबली अच्छे रेट में है, मुंबई में बहुत कॉस्टली है। तो मुझे लगता है और यूपी को वेल कनेक्टेड है, हाईवे अच्छे बने हैं और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और निश्चित रूप से इट इज द बेस्ट डेस्टिनी फॉर डेवलपमेंट फॉर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। और ई मोबिलिटी में तो पोटेंशियल है, 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 5 साल में बन रही है, तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ई मोबिलिटी में आइए, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करिए और विशेष रूप से नए रोजगार निर्माण होंगे, गरीबी दूर होगी, हिंदुस्तान में वेल्थ बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत होगा और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो पूरा करने में आप सबका सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।